सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग KTM ड्यूक 250 के बारे में, जो स्पाइक की गई है, क्या क्या उसमें चेंजेस आने वाले, क्या क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं, इस बाइक को आपको लेना चाहिए या फिर आपको नई बाइक के लिए वेट करना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे जो ये बाइक है इसका प्राइस है 285,000 रुपीज़, और मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में ये काफ़ी ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको ये बाइक लेनी है तो आप ले सकते हैं, और ये बाइक आपको क्यों लेनी चाहिए इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बाइक स्पाइक की गई है, डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि शायद यहाँ पर जो टैंक पर जो पैनलिंग है एक न्यू डिज़ाइन के साथ आ सकती है। ग्राफिक्स डेफिनेटली नए आने वाले हैं, वो तो हमें 100% पता ही है, बिकॉज नई बाइक जब भी लॉन्च होती है उसमें न्यू ग्राफिक्स आते हैं। कलर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से दो कलर्स के अंदर बाइक आने वाली है। बाकी मेरे हिसाब से KTM ड्यूक 250 में कुछ भी चेंज करने की ऐसी बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ अगर चेंज हो जाए इस बाइक के अंदर, जो कि है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर इसकी जगह एक कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाए ड्यूक 390 ऐसा, तो ये बाइक बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। वैसे मेरे हिसाब से ड्यूक 250 एक बिल्कुल परफेक्ट बाइक है, इसके अंदर लिटरली कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज लुक में बहुत बढ़िया आती है, फीचर्स बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। बाकी अपकमिंग जो यहाँ पर KTM ड्यूक 250 आएगी उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो जाए तो काफ़ी बढ़िया बाइक हो जाएगी। बाकी कब तक ये बाइक आएगी कुछ कह नहीं सकते, शायद 3-4 महीने बाद या फिर 5-6-7 महीने बाद भी आ सकती है, तो टाइमलाइन का कुछ भी पक्का नहीं, बिकॉज KTM की तरफ से यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी अगर हम इस वाली वेरिएंट की बात करें जो इस समय आता है इंडियन मार्केट में, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है ये, बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्यूक 390 वाले लुक्स देखने को मिल जाते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सबसे शानदार आपको चीज़ जो देखने को मिलती है वो है हेडलाइट क्लस्टर, कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर आता है, विद लुक्स रियली फिनोमिनल एंड रियली नाइस। LED हेडलाइट क्लस्टर कंप्लीट, तो यार जो आपको थ्रो देखने को मिलता है नाइट में, जो विजिबिलिटी देखने को मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। साथ में अगर हम बात यहाँ करें ब्रेक्स के, तो 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आता है, जो कि काफ़ी बड़ा आता है, सेम ड्यूक 390 वाला 320mm का डिस्क ब्रेक आता है फ्रंट वाला, एंड ब्रेकिंग बहुत ही परफेक्ट है मेरे हिसाब से। KTM की सारी बाइक्स में अगर मैं बात करूँ तो ड्यूक 250 के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा शानदार ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करें अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम आते हैं WP के, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, बाइब्री कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, 17-inch के व्हील्स आते हैं, MRF के टायर आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको इंजन डेफिनेटली बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, 248.8 cc का इंजन आता है, काफ़ी बढ़िया पावर पंप आउट करता है, काफ़ी स्मूथ इंजन है, हीटिंग इशूज डेफिनेटली नहीं है। बट आप हाँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में रहते हो, जैसे कि आप मतलब राजस्थान वगैरह में रहते हो, जैसलमेर या फिर जयपुर में रहते हो, तो अगर आप बहुत गंदी वाली ट्रैफिक में अगर किसी दिन फंस जाओ तो डेफिनेटली आपको ये बाइक थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होती हुई दिखेगी। बाकी बिकॉज ये एक हाई पावर 248.8 cc इंजन है, तो यार उतना गर्म तो डेफिनेटली ये बाइक करती है, तो उसे आप एक नॉर्मल तरीके से बाइक की हीटिंग माने, उसे एक हीटिंग इश्यूज के तौर पे ना ले, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर हम बात करें 13.5 liters का फ्यूल टैंक आता है इस बाइक के अंदर, काफ़ी डिसेंट आपको हेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अपकमिंग वाले में शायद से यहाँ पर न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ सकता है, अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, हम सिर्फ एक अनुमान एक सिर्फ एजम्पशन लगा सकते हैं। बाकी सीट्स में मुझे लगता है कोई भी डिफरेंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चेंजेस की जरूरत नहीं है। पिलियन की और राइडर की सीट दोनों की सीट जो है क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, बट जो कुशनिंग है वो अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो एक ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलेगी। बाकी रियर में चलते हैं तो साइड में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो साइड एग्जॉस्ट आता है, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर पावर आउटपुट देखने को मिलता है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको एग्जॉस्ट मोड देखने को मिलता है साइड एग्जॉस्ट का। यहाँ पर हम रियर डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें, डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आती है सुपर मोटो के साथ, तो जो रियर डिस्क ब्रेक है उसका ABS आप ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। 17-inch के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं MRF के आपको टायर देखने को मिलते हैं, काफ़ी डिसेंट यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलती है। रियर टायर मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, 150x60 सेक्शन का आता है, एंड दिस इज अ रियली रियली नाइस रियर टायर। यहाँ पर हम बात करें टेल लाइट कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलती है, कंप्लीट LED इंडिकेटर्स आते हैं, तो मेरे हिसाब से यार इस समय जो है इस बाइक के अंदर कोई भी कमी नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, स्लिपर क्लच आता है इस बाइक के अंदर, तो जो गियर शिफ्ट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है, डाउन शिफ्ट भी बहुत अच्छी हैं, स्पेसिफिकली जो इंजन है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी डिसेंट है, लगभग 25-30 km/l का ये माइलेज दे देती है बाइक ईजिली। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो एक अच्छा माइलेज दे, जिसको आप सिटी में भी आराम से ला सकते हो, जिसको आप लॉन्ग राइड्स पे भी ले सकते हो, जिसके साथ आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से ड्यूक 250 एक बहुत ही डिसेंट बाइक है। बट हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बाइक चाहिए तो आप सीधे ड्यूक 390 ले, मेरा ऐसा मानना है। बट अगर आपको एक डिसेंट पावर चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पावर पसंद नहीं है, तो मेरे हिसाब से ड्यूक 250 एक बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट और एक बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी परफेक्ट बाइक है इस समय। 285,000 रुपीज़ डेफिनेटली एक डिसेंट अमाउंट होता है किसी भी बाइक के लिए, तो मेरे हिसाब से इतना प्राइस इतनी अच्छी बाइक के लिए एक ठीक ठाक प्राइस है, बिकॉज अगर आप लंबे समय तक किसी बाइक को रखना चाहते हो तो आप इतना पैसा डेफिनेटली उस बाइक पे खर्च कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर ड्यूक 250 कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो जाए तो ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी इस बाइक के अंदर मुझे पर्सनली ऐसी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट आती है, 2-2,500 रुपये में पूरी बाइक आराम से सर्विस हो जाती है, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस बाइक का, मेरे
मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको क्या लगता है ड्यूक 250 के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिलेगा। इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ लिखा रहा है throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो गाइस मिलते हैं आप सभी वीडियो में, थैंक फॉर मेकिंग पावर डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड वाइट सेफ, बाय बाय।